पर मैं कुछ ज्यादा ही रोज क्योंकि मैं कर रही हूँ लड्डू पीला कलर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर सैरी की व्लॉग। सो आज जो है वो है, कौन सी सैरी है, आई थिंक 7वीं सैरी है ना। 12 तारीख को था ना रोज़ा, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 आज छठा रोज़ा है। और छठे रोज़े के साथ जो है ना आज है छठी अफ्तारी। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी सैरी। देखा कैसे इस्तकबाल हुआ, मैंने वीडियो स्टार्ट करी और आप लोगों का इस्तकबाल देखे कैसे हुआ। बाहर ढोल वाले भाई ने बजाना शुरू कर दिया ढोल को। सो आज की जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन टाइम हो रहा है 3:35, और 3:35 के साथ साथ अभी जो है ना हमने गैस का देखा तो वो गैस नहीं आ गई, तो 5 मिनट बाद गैस भी आ गई। तो चले आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो है संडे और आप लोग इंजॉय करें, पीछे चलते हैं इस्तकबाल और साथ साथ मेरे व्लॉग्स को भी इंजॉय करें। सो आज जो है वो संडे है, आज की जो सैरी है वो जो है हमने स्टार्ट कर ली है। अभी जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ ली, सब चीज़ें कर ली हैं, अब जो है ना हम जा रहे हैं सैरी के लिए। आज सैरी में जो है, कल रात में जो कबाब बने थे ना वो आज सैरी में भी निकलेंगे, क्योंकि कल जो है ना हमारी मेड नहीं आएगी तो उसके सेवा काम किया। तो आज जो है ना हम बहुत कम कम काम रख रहे हैं ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो और काम भी हो जाए। तो चले इस व्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि चैनल मम्मी क्या बना रही है क्या नहीं बना रही, और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। सो यहाँ पर जो है ना ग्रीन टी के जो कप है ना वो अभी तक रखे हुए, मैं बाहर नहीं लेके गई थी, तो ये भी ले जाते हैं। कल अगर ये मिले ना तो अम्मी ने अच्छे से सुना देनी है। तो चले इस किचन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ का लाइट नहीं बंद हुई ना, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में ही है, तो मिलती हूँ आपसे किचन में। सो चले जी आ गए हैं हम किचन से, सॉरी ड्राइंग रूम से बाहर, और यहाँ पर जो है ना गैस डांस हो रहा है, गैस का सही आ ही नहीं रही है, अब क्या करे बंदा। और ये कल के पिज्जे की डो की प्रिपरेशन कैसे अच्छी राइस हुई है ये देखिए। ओए होए 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 भाई, डो राइस हो चुकी है, पिज्जा कल बनेगा। एक मेन्यू दिखा, अरे वाह, एक मेन्यू जो है ना, मेन्यू में से एक आइटम जो है ना डिस्क्लोज हो गई है, बाकी के जो आइटम्स है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी या फिर अफ्तारी पे ही बताऊंगी ना भाई। अभी थोड़ा सा वो रख लेते ना सस्पेंस, वैसे सस्पेंस मेरा रहता नहीं है, बहुत जल्दी मेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चले चलते हैं, इन कबाब को फ्राई करते हैं। आज की जो सैरी में कबाब थे, कल डिनर में भी कबाब थे, तो चले चलते हैं और कबाब फ्राई करते हैं। मैंने पराठा खाना है ना पठाना, आज अम्मा के हाथ का खा लो, कल पठान के हाथ का खा लेना। बोलो ना बताओ, पापा तरह के मैं नहीं खा रही मुझे जाते हुए दिल कर रहा, चलो मसला ये मैं अम्मा मेरी बात मान जाते, लेकिन मेरे अब्बा जो है ना मुझे जाते हुए डर लग रहा है। और यहाँ मेरी अम्मा घी में रोटियाँ गर्म करते हुए, तो मुझे बताइएगा कि आपके भी यही होता है कि तंदूर की रोटी को थोड़ा सा पानी लगा के उसके अंदर तेल लगा के छिड़क के, बिल्कुल वैसे ही जब किसी की लड़ाई में कोई हो रहा था तो उसमें तेल छिड़को अच्छे से। महंगाई चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, अगर रोटी बच जाए उसको हल्का सा तेल में और खा लें कबाब के साथ। वेट की फिक्र नहीं करें, वेट ये चीज़ों से वेट थोड़ी बढ़ता है। कबाब ऐसा मैं कहती हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, बोल अब बात है। अंडे के साथ अच्छी लगती, जो लोग पुराने हैं ना उनको इस चीज़ की बहुत अहमियत पता है, पता है, क्योंकि उनके उसमें ना अच्छा खासे वो चलती है। सो चले चलते हैं, अब यहाँ पर जो है ना कबाब फ्राई करते हैं कबाब। अब टाइम जो हो रहा है ना वो ज़्यादा हो रहा है, कोई 3:45 हो रहे हैं, 5 मिनट रह गए, तो मिलते हैं आपसे सैरी के दस्तरखान पे। ए फ्यू मिनट्स लेटर। सो इधर हो गया है सैरी का दस्तरखान, बिछ चुका है और
यहाँ पर टाइम देखें, 10 मिनट के अंदर रोटी भी हो गई और कबाब भी हो गए। बाकी के लोग तो दो चार मिनट हम लोग गैस देख रहे थे ना, गैस की फिल्म देख रहे थे हम। सो चले चलते हैं, करते हैं सहरी, आप लोग भी करें, मैं भी करती हूँ सहरी, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे सहरी के बाद। नहीं नहीं, सहरी के बाद ही मिलूँगी आपसे, अवतार से पहले नहीं मिलूँगी, सहरी के बाद ही मिलूँगी, सिर्फ अवतार से पहले नहीं मिलूँगी। सही है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। A few moments later. So, सहरी हो चुकी है, और सहरी होने के बाद जो है ना, अभी टाइम हो रहा है 4:46, हाँ 46 वही बोलते हैं। सो ये 15 मिनट से बैठी हुई थी, हम लोग बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, 4:25 पे हम लोग फ्री हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग को यहीं पर स्टॉप करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये व्लॉग, क्योंकि अभी जो अफ्तारी का मेन्यू है ना, अभी मैंने आपको वो भी दिखाना है अफ्तारी के मेन्यू में क्या क्या होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग को स्टॉप करके सोती हूँ, ताकि जो है ना, फिर मैं जो आपको अफ्तारी में प्रिपरेशन दिखाऊंगी, क्या क्या बनना है वो दिखाऊंगी, कौन कौन आ रहा है वो दिखाऊंगी, और उसके अलावा थोड़ा बहुत ड्रेसअप होना है, क्या पहनना है वो भी दिखाऊंगी। उसके लिए ना तो ब्लॉग जो है ना, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने सोचा है कि मैं इस ब्लॉग को यही स्टॉप करती हूँ, मिलते हैं आपसे अफ्तारी से 3-4 घंटे पहले, क्योंकि बहुत सारा काम है ऐसा जो अम्मी के साथ मिल के करवाना है, और करवाने के बाद जो है ना, उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी है, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, और जब दावत होती है ना, तो गैस ने बहुत ज़्यादा सील करवाना होता है, ये हर घर में मसला होता है। तो चले मिलते हैं आपसे अफ्तारी से थोड़ी देर पहले, मतलब अफ्तारी के 2-3 घंटे पहले, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में क्या बन रहा है। और उसके साथ साथ जो है, आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में अफ्तारी में आज तक क्या बन गया है, और क्या क्या नया आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो भाई, सहरी में तो जो है ना, सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं ना, वो पराठों के अलावा की बात कर रही हूँ मैं, वो सहरी में जो है ना, खजला और फेनी पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप कौन सी फैमिलीज हैं, खजले वाली फेनी पसंद करने वाले लोगों में से, या फिर फेनी मैं पसंद करने वाले लोगों से। भाई हमारे घर में तो जो है ना, फेनी खाई जाती है, खजला अम्मी आने ही देती है, क्योंकि अब्बू को जो है ना, मना है इतना ज़्यादा चिकना, तो इस वजह से हम लोग फेनी ही खाते हैं। मैं तो बहुत कम खाती हूँ, मैं इतनी पसंद नहीं करती फेनी। तो आप मुझे बताइएगा, अब मिलते हैं आपसे अफ्तारी से पहले। Approximately 10 hours later. So, अफ्तारी के टाइम में अभी बाकी है तकरीबन 2 घंटे, और 2 घंटे के अलावा मेरे ख्याल में 1.5 घंटा बाकी है। सो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, अभी मैं जा रही थी बन बनाने के लिए, उसकी स्टफिंग वगैरह करने के लिए, मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊँ कि हमारे घर में आज क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा। सो आज की जो इफ्तारी है, उसमें मेन्यू भी अलग होने वाला है, लोग भी अलग होने वाले हैं, और आज मैं फ्रूट चाट नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज फ्रूट चाट जो है भाभी बनाने वाली है। सो आज जो है ना, सबके काम सफल हो गए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में अब तक क्या बन चुका है, और क्या अभी बनने में प्रोसेस अभी हो रहा है। ये क्या बन रहा है? ये बनने के लिए हीट हो रहा है, बाकी यहाँ पर फिश तैयार हो चुकी है, और ये किस चीज़ का है? पिज़्ज़ा। और यहाँ छोले तैयार हो रहे हैं, ये पिज़्ज़ा का है, और ये डो है बन की, और ये जो है बन का चूना। तो यहाँ पर तकरीबन चीज़ें ना आधी आधी तैयार है, अब उसके बाद स्टफ कर लिया हमने। और यहाँ पर भाभी की क्या फ्रूट चाट तैयार होने वाली है। कैसा लगा? हाँ कैसा लगा, रोज बनाती हूँ ना, देखिए आज मम्मी बना रही। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बन दिखाते हैं आपको कैसे बन जो है स्टफ कर रहा, फिर उसके आपको दिखाएंगे बेकिंग पे भी। सो यहाँ बन तैयार हो चुके हैं, ये वाले बन तैयार हो चुके हैं, अब बस एक ये वाला जो पेड़ है मैंने फ्लैट करके रखा है, बस इसके अंदर जो है ना, हमने स्टफिंग करनी है, और स्टफिंग करने के बाद ये भी हमारे रेडी हो जाएंगे। इसके बाद बारी आएगी पिज्जे की, और अभी हमारे घर में ना, अभी जो है ना, एक World War II छिड़ी हुई थी, जिसके अंदर किचन के अंदर जो है ना, सारा तेल गिर चुका है। समझ गए होंगे मम्मी के टेम्पर से, और वो तेल जो है ना, सब जगह फैल चुका है। तो फिश फ्राई होते होते ना, हम उसकी सफाई पे लग गई है, तब देखें क्या होता है, ज़मीन पर फिश फ्राई होती है कि फ्राई पैन में। मिलते हैं आपसे फिश फ्राई होने के बाद। ये हमने स्टफिंग डाल ली है, अब मैं आपको बताती हूँ डिज़ाइन वाले बन।
तो ये हमारा जो पेड़ा है ना वो तैयार हो गया। बस इस पेड़े के अंदर ना कीमा है। अब देसी जुगाड़ करेंगे हम इस पे। यहाँ और ये पिज्जा की बेचते हैं यार। अभी हम इसको टोस्ट करेंगे, लेकिन अभी जो है ना चूल्हे पे जगह नहीं है इस वजह से। यहाँ पर हो रही है फिश फ्राई, यहाँ पर हो रहे हैं बन जो हमने बनाए थे, और इसके अलावा फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। तो बहुत कम चीज़ें रह गई हैं जो अभी तैयार होने बाकी हैं। और बाकी ये जो अभी तेल गिरा था ना, ये उसका 80% कारनामा साफ हो चुका है यहाँ से। मेरी अम्मा अभी भी पोछा मारते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें क्या छोले वो वहाँ से छोड़ दे ना गड़बड़ी। इधर हो रही है फिश फ्राई और इधर हलीम ठंडी नाव, इसके लिए हमने की है देसी जुगाड़। सो इस देसी जुगाड़ से यह हलीम गर्म रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर बन भी हो रहे हैं। हमने इतने इतने से बन बनाए थे जो इतने बड़े बड़े हो गए। सो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर छोले हो गए। नहीं अभी जूस नहीं बनाया है। मछली के साथ दूध वाला नहीं क्या नहीं है। मछली के साथ पानी वाला। तो इधर निकाल लिया मैंने जामेश्वरी, और इधर एक जो हमारी मेन्यू में और ऐड हो रहा है वो है जामेश्वरी। तो चलें अब चलते हैं और बनाते हैं, क्योंकि फिश के साथ तो भाई दूध वाला जामेश्वरी ले नहीं सकते, तो उसके लिए हमें पानी वाले जामेश्वरी बनाना पड़ेगा। तो चलें चलते हैं अब जूस बनाते हैं। पिज्ज़ा की बेस यहाँ पर रेडी है, हलीम यहाँ पर गर्म होने के लिए रखी है। तो अफ्तारी के अंदर तकरीबन अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है या मेरे अब्बा कुरान पढ़, और यहाँ जो अफ्तारी में टाइम है वो अभी 45 मिनट्स बाकी है, और 45 मिनट्स में जो है ना ये सारे काम हो भी जाएंगे हमारा, क्योंकि अभी पिज़्ज़ा भी रहता है और पिज़्ज़ा के अलावा जो है ना चीज़ें भी रहती हैं। और इधर हमारी बिल्ली साहिबा, इधर ये चलता फिरता फालसा। ये रही आज के सीजन का पहला मैंगो जो कि मैं बनी हुई हूँ, और हमारे घर में दो फ्रूट अवेलेबल है, एक फालसा और एक मैंगो। मैंगो ये रही, और फालसा मैंने भी आपको बाइक पे जाते हुए दिखाया चलता फिरता फालसा। तो चले देखते हैं अफ्तारी में अब कितना टाइम रह गया। अफ्तारी में तो 45 मिनट्स रह गए, और 45 मिनट्स के अलावा जो है ना बस हमारा जूस बनना बाकी है और पिज़्ज़ा बाकी रही है। तो अब वो बनाते हैं, मिलते हैं आपसे अफ्तारी के ये सब बनाने के बाद। और जिन मेहमानों को बुलाया है वो लोग अफ्तारी से पहले आ गए, वो बड़ी बात है। तो चले इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ जूस तैयार हो चुके हैं, आज ये न्यू एडिशन है। उसके अलावा ये तीन मैंने जग बनाए, साथ लस्सी थोड़ी येलो हो गई है क्योंकि इसके अंदर मैं जूस का पानी मिला चुकी हूँ गलती से। छोटी बच्ची हो क्या? ये देखो मैं बोल रही थी ना, हमने इतने इतने से बन बनाए थे क्योंकि इतने बड़े बड़े हो गए, तो पक्का बचेंगे आप देखना। तो यहाँ पर तो गैस भाई बहुत ज़्यादा ही कम आ रही है, ये देखा। और अब जो है ना हमें पिज़्ज़ा की बेइज्जती तैयार करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिलेंडर जला लिया है। सिलेंडर की आँच को हम थोड़ा तेज़ कर लेंगे ताकि जल्दी हीट हो जाए, और उसके बाद हम इसके ऊपर जल्दी जल्दी बेस जो है ना वो तैयार। सो इधर हम इसको
आज भाई कुछ ज्यादा ही रोज है भाई। बस एक उस पे ये भाई ने अपने आगे वाली डिश पे डाला है। ये भाई ने उस वाली डिश पे डाला है जो भाई के आगे रखी जाएगी। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल। मैं आपको बोल रही थी ना चलता फिरता फालसा बना हुआ भाई। हमारे यहाँ फ्राइड चिकन बन तैयार हो चुके हैं, पिज्जा की बेस तैयार हो चुकी है, छोले तैयार हो चुके हैं, सूचा तैयार हो चुकी है, जूस भी तैयार हो चुका है, फिश भी तैयार हो चुकी है। बस एक पिज्जा रहेगा जिनके सामने करके उनकी चीज मेल्ट करनी है। बाकी अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:30, और जो मेहमान थे ना उनका तो बताइए वो खाने के बाद ही आएंगे पक्का। और यहाँ पर भाई ये देखें गौतक ये बन गए हमारे बंस। आए मेहमान जल्दी आ गए बाद आने वाले मेहमान जल्दी आ गए आज। कहाँ है लगी ये देखो जरा हाँ तो ठंडा ना हो जाए ना हाँ तो ठंडा ना हो जाए ना इसलिए नहीं लगाई हमने। ये देखे खुद देर से आते हैं हमारे ऊपर बताते हैं। सो यहाँ पर हमने रोज़ा खोल लिया था, और रोज़ा खोलने के बाद अब मैं यहाँ पर अम्मी के साथ बैठी हूँ इफ्तार करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये जो पिज़्ज़ा थे ना वो थोड़ा चीज़ मेल्ट होने में टाइम ले रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी प्लेट भी शेयर करूँ। सो मिलती हूँ आपसे इफ्तारी के बाद। तो आज की अफ्तारी हो गई, आज की अफ्तारी पर ज़्यादा भाग भाग के हुई है क्योंकि अजान हो गई थी और हमारे जो पिज़्ज़े थे ना वो अभी रेडी नहीं हुए थे, मेल्ट होना थोड़ा बाकी था। सो आज की अफ्तारी हो गई, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आज हमारे घर में तीन फ्रूट जैसे लोग आए, एक तो मैं जो कि मैंगो बनी हुई थी, मैं आज पहनी हूँ लड्डू पीला कलर, और साथ मेरे भाई और भाभी जो कि फालसा बने हुए घूमे चलते फिरते फालसे। उसके अलावा जो है एक जो है ना ऐसा जो है ना फ्रूट फिर रहा है जो कि अभी आया हुआ भी है मार्केट में, लेकिन वो ऐसा है कि अगर आपको डिज़ाइन वाला अगर उसकी कटिंग की जाए तो वैसा लगेगा। ये देखिए आप पीछे से देख लें, ये देखिए तरबूज लग रहा है ना, लग रहा है ना तरबूज। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी। अब जो है बस अब डिनर का इंतजार है, अब डिनर में क्या बनता है वो मैं आपको दिखा के फिर ये व्लॉग एंड करूँगी, क्योंकि आज की व्लॉग जो है पूरी करनी है ना। अब ये जो मेहमान हैं जो कि अफ्तारी से 3-4 मिनट पहले आए हैं उनको हम डिनर करवा के ही भेजेंगे, तो आप मुझे घूरे नहीं क्योंकि आप 3 मिनट पहले ही आएंगे। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी नमाज में खलल पड़ रहा है। हाँ तो जिनको असलियत बोलो ना उनके खलल ही पड़ जाता है, मसला ये आए हैं 3 मिनट पहले। सो चले चलते हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, कोई ऐसी दवा पता नहीं याद हुई है कि नहीं हुई जो अफ्तार की सुस्ती को जो है ना वो कर सके। और यहाँ पर आ गई है, हेलो गाइस इधर आओ, हेलो गाइस कैसी है आप, आपने रोज़ा रखा था आज? नहीं रोज़ा नहीं रखा था, आपने फ्रिज में भी नहीं रखा रोज़ा? मैंने बोला कि मेरा टूट गया तो सब पता है इसको। ये भी आज पर्पल पहनेंगे, देखें आप ये भी आज पर्पल पहनेंगे। सो चले चलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ा सा एक कैमरा ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है। अब चाय पी के फिर उसका खाने का सोचेंगे क्या करना है, फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस ये सबकी इफ्तारी के बाद के मनाजिर हैं, कोई बेहोश पड़ा हुआ है, कोई सोता पड़ा।
तो यहाँ पर वीडियो बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि काम बहुत सारा रहता था और यहाँ पर समेटने पे आ गया, तो मुझे याद आया कि व्लॉग बन रही है। तो हमारे खाने में थी आज बिरयानी, हम लोगों ने सिर्फ एक ही आइटम आज रखी थी। सो आज की अफ्तारी हो गई और अफ्तारी के बाद जो है ना खाना भी हो गया। खाने की मैं वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि जो है ना मैं बिज़ी हो गई थी, भूल गई थी। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ना भूलिएगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और भाई आज जो है ना बस अब सोने की तैयारी है, अभी हो रहे हैं कोई 1:30-2, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सोई हूँ, फिर उठूँगी तकरीबन 3:30-4 बजे, फिर हम करेंगे सहरी की व्लॉग के साथ 7वीं सहरी का आगाज़। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में सहरी के साथ। और क्योंकि कल यूनिवर्सिटी जाना है तो यूनिवर्सिटी की जाने की वजह से भी थोड़ी नींद लेनी भी तो ज़रूरी है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।